आदमी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। नील ने तुम्हारे साथ जो हनीमून पे जाने के लिए मना कर दिया, ऐसे कैसे बोल सकता है वो? आई मीन उसे तुम्हारे इमोशन की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे ना उसकी वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं कोई बात नहीं रिया, मुझे कौन सा शौक है नील के साथ हनीमून पर जाने का। नहीं फिर भी मतलब नील को शायद पता नहीं है रिया, मैंने हनीमून पर जाने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा कि बेबे आंटी जी और पापा जी का दिल ना टूटे। अच्छा रिया मैं बाद में बात करती हूँ, बेबे को दवाई देनी है ना। ठीक है। सुन लिया तुमने अली, अब तो तुम्हें यकीन हो गया, समझदार के लिए इशारा काफी है। इसका मतलब अवनी भी इस रिश्ते का बोझ मजबूरी में उठा रही है। अवनी खुश नहीं। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई? क्या हुआ अवनी? वाह आपको यहाँ सोने की पड़ी है, और वहां नील एकदम बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। उसकी स्टुपिड सी जिद की वजह से उसने इतना भी नहीं सोचा कि श्वेता आंटी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन नहीं, उसे तो अपनी जिद में रहना है, उसे तो सोचना ही नहीं है मेरे बारे में बिल्कुल भी। बस और स्ट्रेस नहीं ले सकती मैं, मुझे उसकी जरूरत है। उसकी उसकी नहीं, उसकी किसकी? चॉकलेट की। अब बोलो भी क्या बात है? इतने इतने प्यार से समझाया मैंने उसे, लेकिन नहीं वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ हनीमून पर ही जाने को कहा मैंने, कौन सा पहाड़ तोड़ने को कह दिया मैंने। माँ 11 बज गए, I'm sorry माँ, आप तो सो गए होगे ना। कहाँ सोई थी मैं? मैं तो सोच रही थी कि मैं फुटबॉल खेलती, और अब जब तुम आ गई हो तो दोनों साथ में खेलते हैं और नील की बुराई भी कर लेंगे, है ना? वेरी फनी, आप मेरी हेल्प करो ना। मुझे ना कभी कभी तुम पे डाउट होता है, कभी तो लड़कियों जैसी हरकत किया कर अपने पति को कन्विंस करना है हनीमून पे जाने के लिए, कौन करेगा ये, तुम या मैं? मुझे नहीं आता ये सब, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? माँ I'm sorry, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, I'm really sorry। It's okay, जो खुशियाँ तुम डिजर्व करती हो वो तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रहा है, क्योंकि तुम्हें डिसाइड करना है कि दरवाजा खोले या ना खोले। उठो अपनी, अपनाओ उन खुशियों को, कब तक यू अपने दिल के दरवाजे बंद रखोगी तुम? आप रात को भी ये शेर शायरी कैसे कर लेते हो? जब तुम अपने दिल के सुनने लगोगी ना, तुम्हें भी आ जाएगी शायरी। देखो इस हनीमून पे तो जाना ही है तुम्हें अनिल, ओके? कुछ भी कर लो उसे कन्विंस कर, और वैसे भी मैं ना बोर हो गई हूँ ये माँ माँ सुन सुन के, मैं भी अब एक कूल नानी बनना चाहती हूँ। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में फुटबॉल खेलेंगे, साथ में मिलकर चॉकलेट खाएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ कितना मजा आएगा। वो आप भी ना एकदम बेबे की तरह हो गए हो। तो अभी बेबे का भी श्वेता जी, हेलो माँ हूँ मैं तुम्हारी, लो मुझे चॉकलेट। अरे नहीं दो मुझे, अरे दो दो, अरे मुझे भी तो दो, चलो फिर मिलके खाते हैं। कहाँ फंस गई मैं, नीला माँ और श्वेता आंटी के लिए उस नकचड़े नील को मनाना पड़ेगा, पर कैसे? मैं तुम्हारे साथ वक्त तो गुजारना चाहता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें खुद मुझसे कहना होगा अपनी। अगर तुम सच में इस रिश्ते से खुश नहीं हो अपनी, तो मैं तुम्हें इस शादी से आजाद करूंगा। 15 साल तुम्हारा इंतजार किया है, अब और नहीं।